नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। अशिक्षा अपराध और अंधविश्वास को बढ़ाती है। दुनिया भर की जनसंख्या का लगभग 18% हिस्सा अकेले भारत में निवास करता है। ऐसे में यहां लोगों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, मगर अफसोस कि यहां शिक्षा का स्तर कभी बढ़ता है तो कभी रुक जाता है, और वजह है सिस्टम में कमियां। यहां शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी एकता से काम नहीं करते। गांव में हालत सबसे ज़्यादा खस्ता है, क्योंकि यहां तो विद्यालयों को कई कमियों से दो चार होना पड़ता है। ऐसे में मुरादाबाद के एक प्राथमिक विद्यालय के हालातों से आपको रूबरू करवाएंगे तो आप भी हाय तौबा करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। दरअसल यहाँ एक विद्यालय की हालत यह है कि यहाँ 2017 में विद्युत विभाग बिजली का मीटर को रख गए हैं, लेकिन अब 2024 तक कोई मीटर लगाने नहीं आया। देखिए ये रिपोर्ट। मुरादाबाद के भगतपुर ब्लॉक के नकटपुरी कला के प्राथमिक विद्यालय में सरकार विद्यालयों की कायाकल्प करवाने का दावा तो करती है, लेकिन मौजूदा स्थिति कुछ और ही बयां करती है। एक ऐसा ही मामला नकटपुरी कला के प्राथमिक विद्यालय का सामने आया है, जहां की प्राथमिक विद्यालय की मौजूदा स्थिति सरकार के खोखले दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। यहाँ 2017 में विद्युत विभाग के कर्मचारी बिजली का मीटर तो विद्यालय में पहुंचा गए, लेकिन आज तक उसे लगाने कोई नहीं आया है, जबकि विद्यालय से 20 मीटर की दूरी पर ही 11,000 की लाइन गुजर रही है और आज तक विद्यालय में लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई। लाइट की व्यवस्था ना होने के कारण कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के चलते बच्चे स्कूल में आने के लिए असमर्थ हैं। स्कूल में समरसेबल पानी की टंकी, शौचालय, बिजली के पंखे, बल्ब आदि की व्यवस्था है। लाइट ना होने के चलते इनका प्रयोग बच्चे नहीं कर पा रहे हैं और गर्मी में कॉपी किताबों से अपनी हवा करते रहते हैं। मैं यहाँ प्राथमिक विद्यालय नकटपुरी कला में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्य करती हूँ। यहाँ पर लाइट को लेकर के क्या कहना चाहिए? सर, हम लाइट के लिए कई बार मतलब प्रयास कर चुके हैं। झटपट पोर्टल पर भी हमने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं। और हमने कई बार मतलब इलेक्शन के दौरान भी, उससे पहले भी जो है अपने आलाधिकारियों को लेटर लिखकर भेजा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं। कितने तरह से लाइट नहीं है यहाँ? सर, यहाँ लाइट तो शुरू से ही नहीं है। सन 2017 में यहाँ मीटर तो आ गया था, लेकिन लाइट आज तक गया। बिजली की फिटिंग भी है, पंखे भी हैं और सारी व्यवस्था। हमने अपनी तरफ से सब काम करा रखा है। जो विभाग से पैसा आया था, हमने फिटिंग वगैरह सब कराई, पंखे वगैरह भी खरीदे हैं। जो लाइन है बिजली की, वो कितनी दूर है स्कूल से? स्कूल से लगभग 500 मीटर। 500 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, इससे अगर कनेक्शन किया जाए तो लाइट आ सकती है? हाँ, अगर यहाँ एक छोटा ट्रांसफार्मर भी रख दिया जाए तो स्कूल में मतलब लाइट आ सकती है और बच्चों की पढ़ाई भी मतलब ठीक ढंग से हो सकती है। क्या इस विषय में आपने अपने विभाग को अवगत कराया था? जी, हम कई बार लिख के दे चुके हैं। अच्छा, तो दिक्कतें तो काफ़ी आती होंगी बच्चों को पढ़ाने में? बहुत काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को, जैसे बहुत गर्मी होती है तो परेशानी तो होती है। वहीं यहां पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि स्कूल में पढ़ने के दौरान इस मौसम में विद्यालय में बहुत गर्मी लगती है, हम सही से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। कौन से स्कूल में पढ़ने आते हैं आप? प्राथमिक विद्यालय नकटपुरी कला सेकंड। अच्छा, पढ़ाई अच्छी होती है? अच्छी होती है जी। तो यहाँ इतने सारे बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं आज और हवा ये कॉपियों से कर रहे हैं, क्या मतलब क्या है मामला? यहाँ लाइट नहीं आती। लाइट नहीं आती है? अच्छा, आप पढ़ते हैं तो कोई दिक्कतें आती है पढ़ने में? क्या दिक्कतें आती हैं? गर्मी लगती है सर जी। गर्मी लगती है? अच्छा, पढ़ाई भी सही से नहीं कर पाते होगे आप? पसीना किस लिए आ रहा है आपके? इतना गर्मी के कारण इतना पसीना आ रहा है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? पाँचवीं क्लास में। जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो क्या गर्मी लगती है यहाँ? हाँ, पढ़ाई नहीं हो सकती है। पढ़ाई नहीं होती है गर्मी के कारण। पंखे तो लगे हैं, लेकिन लाइट आती है नहीं आती? लाइट नहीं आती है। इसके अलावा बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय में अमीरों के बच्चे पढ़ रहे होते तो लाइट की व्यवस्था हो गई होती। यहाँ सभी गरीबों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, इसलिए विद्यालय में लाइट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सुनिए अभिभावकों का दर्द। जी, आपके बच्चे भी आते हैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए? आज प्राथमिक विद्यालय में बच्चे काफ़ी गर्मी में थे और पढ़ाई के दौरान कॉपियों से हवा कर रहे थे,
तो सर क्या कहना चाहेंगे इसमें, क्या लाइट नहीं आ पाती? नहीं आ रही है। कितने समय से नहीं है? है ही नहीं, लाइट आई नहीं है कभी। अच्छा, तो स्कूल के पास से लाइन कितनी दूर से गुजर रही है? बस 20 मीटर होगी ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद भी लाइट नहीं आ पाती? पढ़ाई के दौरान बच्चों को काफी दिक्कत आती होगी? आपने कभी इसकी शिकायत करी है? बहुत बार करी है। क्या आश्वासन मिलता बिजली विभाग? कुछ भी नहीं आया आज तक, कोई रीजन नहीं। अच्छा, कोई आश्वासन नहीं मिल पाता? जैसे कुछ ग्रामीणों का कहना है कि इलेक्शन सब टाइम में तो पीरियड लाइट आ जाती है। नहीं, इलेक्शन में भी केबल डाल उल गांव में हिलाते हैं। अच्छा, ठीक है। मैं जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 36 से, और ये मेरे ही क्षेत्र में गाँव पड़ता है, नगटपुरी कला ब्लॉक भगतपुर टांडा जी। और इसमें जो है लगभग 2005 का में इस स्कूल की स्थापना हुई है, और उसी टाइम से जो है बिजली की मांग कर रहे हैं, बाकी अभी तक जो है कोई समाधान नहीं हो रहा। जबकि मात्र 20 मीटर की दूरी पर 11,000 की लाइन जा रही है, ज़्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं है। अगर शासन प्रशासन इस पर संज्ञान लेवे तो शायद बच्चों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि ना तो शिक्षक सही से पढ़ा पा रहे, स्कूल में इतनी भीषण गर्मी है कि कोई भी आदमी रुक नहीं पा रहा, और बच्चे भी बहुत ही परेशान है, कॉपियों से वो करते हैं। और जबकि ये शिक्षक बेचारे घर जाते हैं गांव में, तो वो सीधी कह देते हैं कि भाई क्या करें बताओ, जब स्कूल में बिजली की व्यवस्था नहीं है तो हम क्या करें, इस तरह से हमारे बच्चों का जो है कुछ भी हो सकता है इतनी गर्मी में। तो मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, माननीय माधवाई डीएम साहब से ये अपील करता हूँ कि इसमें जल्दी से जल्दी बिजली की व्यवस्था कराई जावे, ताकि बच्चों को राहत मिल सके। मुख्यालय कितनी दूर है यहाँ से? जनपद मुख्यालय, जनपद मुख्यालय लगभग 13 किलोमीटर होगा यहाँ से जी। और 13 किलोमीटर इसमें सारे अधिकारियों को हमने अवगत भी करा दिया, मान लो डीएम साहब को भी अवगत करा दिया, उसके पहले भी बीएसए साहब को भी जो अवगत करा दिया, बाकी अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रहा। क्या आश्वासन मिलता है वहाँ से? आश्वासन ये मिलता है कि हो जाएगी। 3-4 साल तो मुझे हो गए इसकी मांग करते हुए, अभी तक जो है अधिकारी जो है कोई संज्ञान नहीं ले रहा। आपने इसकी शिकायत बिजली विभाग से भी की है, और शायद जो स्कूल में प्रधान अध्यापक जी हैं उन्होंने भी इसकी कई बार जो है कनेक्शन के लिए वो कर रखा है, जबकि स्कूल के अंदर जो है टंकी भी लगा हुई है, पंखे भी लगे हुए हैं, मात्र बिजली की कमी है, सारी फैसिलिटी जो है बाकी मौजूद है स्कूल के। अच्छा, अगर लाइट की व्यवस्था यहाँ हो जाए तो जो बच्चे पढ़ने वाले उनकी संख्या और भी हो सकती है? हाँ, स्कूल में जो है अगर लाइट की व्यवस्था हो गई तो बच्चों की संख्या जो है ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ जो है सारे गरीब लोग रहते हैं, ज़्यादा अमीर लोग हैं नहीं जी, जो है तो उन्हें फीस में उसमें थोड़ी परेशानी पड़ती है, तो इसलिए अगर यहाँ लाइट की व्यवस्था हो गई तो बच्चों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, एक तरफ तो सरकार जो शिक्षा पर ज़्यादा जोर देती है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों को जो सुविधा है बच्चों को पढ़ने के लिए वो सुविधा है नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो सुविधा दे रही है जी, सरकार की सुविधा ही बढ़िया, टीचर ही बढ़िया है, सब कुछ है, बाकी ये तो अधिकारियों के ऊपर है ना, अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे जो है जो भी है कि हमारे क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था है नहीं है, ये तो अधिकारियों को देखना चाहिए। अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि यहाँ अगर जल्दी जल्दी लाइट की व्यवस्था हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। देखा जाए तो आप सोच सकते हैं कि आखिर इस समस्या के साथ बच्चे भला कैसे पढ़ सकते हैं। सोचिए, विद्युत विभाग की ये लापरवाही कितनी बड़ी है कि 2017 से यहाँ आज तक मीटर लगाने नहीं आ पाए। गांव में उच्च शिक्षा के प्रसार से हम नए भारत की नींव रख सकते हैं, मगर ऐसी लापरवाही हमें रोकती है, जिस पर प्रशासन को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और ऐसी लापरवाहियों पर नकेल कसने की भी ज़रूरत है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।